हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइड लीकेज कैसा रिपेयर करने का है ट्यूबलेस टायर का। ये जो देख रहे हैं, ये रिम से लीक हो रहा है। ये इधर भी देख सकते हैं आप कैसे लीकेज हो रहा है, बबल्स निकल रहे हैं। तो ये साइड लीकेज का सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो व्हील खोल लेंगे इसका। ये हमारे कल्लू भाई पंचर स्पेशलिस्ट। कल्लू भाई हाय बोलिए। अभी आप क्लियरली देख सकते हैं। तो पहले तो इसको खोल लेंगे टायर को। वाइट आप देख सकते हैं, ये जो अलॉय व्हील का रस्ट रहता है वो लग के इससे लीकेज होना चालू हो रहा है। जो वाइट देख रहे हैं ना आप, इसके वजह से वो लीकेज हो रहा है, साइड लीकेज। तो टायर निकाल लेते हैं। ये जो रिम की हालत देख सकते हैं, इसके वजह से ये साइड लीकेज हो रहा है। इसको अभी पॉलिश पेपर मार के पेंट मार लेंगे, अच्छे से क्लीन कर लेंगे इसको। पूरा उबड़ खाबड़ हो गया है, इसके कारण ही साइड लीकेज हो रहा है इसका। तो ये पॉलिश पेपर मार लेते हैं इसको। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं ये साइड पॉलिश मारने के बाद कितना फिनिशिंग हो गया और ये साइड कितना रस्टी है। तो इसमें आपको डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो ये साइड भी घस लेते हैं फटाफट। घस दो कल्लू भाई, बाकी बंदा बहुत सही है अपना। पॉलिश मार के हो गया, अभी धो देते हैं, पानी से धो लेंगे। धोने के बाद इसको पेंट में सुखा के पेंट मार के तो अच्छे से पोंछ लेंगे। एक बूंद पानी भी नहीं रखेंगे उसमें, क्योंकि पेंट मारना है इस पर। साफ करके हो गया हमारा व्हील, इसको फटाफट स्प्रे पेंट मार लेंगे।
में रख देंगे साइड में एक घंटा, सुखाने रख दिया है साइड में। उसके बाद टायर को भी हल्का हल्का घस लेंगे, क्योंकि ये जो सफ़ेद सफ़ेद है तो इस पर भी चिपक के पूरा उबड़ खाबड़ हो गया, तो इसको भी अच्छे से पॉलिश करके प्लेन कर लेंगे। पेंट सूख गया अपना, सूखने के बाद तो पूरा ब्रांड न्यू लग रहा है, देख सकते हैं क्या फिनिशिंग है इसकी। इसमें तो साइड लीकेज होना पॉसिबल ही नहीं है। तो फटाफट इसे फिट कर लेते हैं। ये इसके कॉलर पे हल्का सा ग्रीस लगा लेंगे, ग्रीस ले क्या कर लो। थोड़ा सा ही लगाएंगे फिर बाद में पोछ। फिटिंग कर लेंगे टायर को, फिटिंग करने के पहले मार्किंग चेक कर लेंगे इसका किधर है मार्किंग, रोटेशन बराबर। फिटिंग कर दो कल्लू भाई। अगर आप बोरिवली के आसपास है तो एक बार विजिट मार के जाना मेरे गैरेज को। टायर पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर करो रेडी। ऑल बिठा लेंगे इसका, पूरा फिटिंग हो गया टायर का। अभी चेक कर लेंगे साबुन पानी डाल के, तो अभी लीकेज नहीं हो रहा है। तो गाइस ये वीडियो इधर ही एंड कर रहा हूँ, ऐसे आपके लिए वीडियो लेके आते रहूँगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को मैकेनिक राइडर का।